चलिए इनडायरेक्ट टैक्स शुरू कर रहे हैं। जब हमने पहली बार इनकम टैक्स की पहली क्लास ली थी तो हमने बताया था इनकम टैक्स इज टैक्स ऑन इनकम और इनडायरेक्ट टैक्स इज ए टैक्स ऑन एक्सपेंडिचर, है ना। और ये जो टैक्स ऑन एक्सपेंडिचर जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो कितने तरह के, मैं वो बता देता हूँ। पहले तो इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि जीएसटी से पहले क्या था, तो इनडायरेक्ट टैक्स में कितने तरह के इनडायरेक्ट टैक्स, एक दो तीन चार तरह के हैं बेसिकली, और ये पांचवा टैक्स ऑन लोकल बॉडीज है। तो पहला कौन सा है, कस्टम्स। कस्टम्स कब लगता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे। तो अगर आप इंपोर्ट करेंगे तो इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट करने पे कोई ड्यूटी नहीं है, जनरली जीरो ही है। एक्सपोर्ट में कुछ गुड्स पे रेस्ट्रिक्शन है कि ये सारे गुड्स आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, जैसे बीफ पे एक्सपोर्ट बैन कर दिया जाए तो बैन किया हुआ है। तो एक्सपोर्ट पे कोई ड्यूटी नहीं है, इंपोर्ट पे ड्यूटी है। कौन सी ड्यूटी है, इंपोर्ट ड्यूटी, और इसको हम लोग कहते हैं बेसिक कस्टम ड्यूटी। क्या कहेंगे, बेसिक कस्टम ड्यूटी, क्लियर है। इसके बाद एक्साइज। एक्साइज कब लगता है, जब आप मैन्युफैक्चर करेंगे। तो मैंने फैक्ट्री लगाई हुई है और मैंने मैन्युफैक्चरिंग की, तो एक्साइज ड्यूटी लग जाएगा। मैं सेल करूं या ना करूं ये इंपॉर्टेंट नहीं है एक्साइज में। एक्साइज ड्यूटी कब लगती है, मैन्युफैक्चरिंग पे, सेल हो या ना हो। उसके बाद सर्विस टैक्स, जहां पर कंसल्टेंसी, बेसिकली कंसल्टेंसी है, और जहां मिडिल मैन आ जाएगा वहां भी सर्विस टैक्स लग जाएगा। तो मिडिल मैन क्या कमा रहा है, कमीशन। तो शेयर्स खरीदा बेचा जा रहा है ब्रोकर्स के थ्रू, सर्विस टैक्स लग जाएगा। आपने प्रॉपर्टी डीलर को कमीशन दिया, उस कमीशन के ऊपर सर्विस टैक्स लग जाएगा। और जहां मिडिल मैन है वहां तो सर्विस टैक्स लग ही रहा है, और जहां कंसल्टेंसी है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट दे रहा है, लॉयर्स ओपिनियन दे रहा है, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, ये सब के ऊपर, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डिजाइनर्स, एक्टर्स, ये सब क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो क्या लगेगा, सर्विस टैक्स, क्लियर है। ये एक्साइज और सर्विस टैक्स दोनों कौन लेवाई करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका दूसरा नाम है सेंट्रल गवर्नमेंट वैल्यू एडेड टैक्स। तो गवर्नमेंट हटाया हुआ है, CEN से क्या हो गया, सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स, क्लियर है। तो एक्साइज मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, सर्विस टैक्स प्रोविजन ऑफ सर्विस यानी कंसल्टेंसी के ऊपर। इसके बाद अभी तक सेल के ऊपर कौन टैक्स लेगा, एक्साइज किस पे लग रहा है, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। सर्विसेज के ऊपर, सर्विसेज देने पे किस पे लग रहा है, सर्विस टैक्स। सेल ऑफ गुड्स के ऊपर कौन टैक्स लेगा, बोला सेल ऑफ गुड्स के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है सेल्स टैक्स लेने का। देखिए तो सेल दो तरह के हो सकते हैं, एक इंट्रा स्टेट सेल, दिल्ली टू दिल्ली सेल, हरियाणा टू हरियाणा सेल, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा स्टेट सेल। और दूसरा इंटर स्टेट सेल, हरियाणा से दिल्ली बेचा, दिल्ली से महाराष्ट्र बेचा, ये सब क्या है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल है, उस पर लगता है सेंट्रल सेल्स टैक्स। तो यहां पर अगर इंटर स्टेट सेल हो रहा है, दिल्ली टू दिल्ली सेल हो रहा है, तो किस गवर्नमेंट को हक मिलता है उस सेल्स टैक्स पे, सेल्स टैक्स कलेक्ट करने का, जिस स्टेट में सेल हो रहा है। तो दिल्ली से दिल्ली सेल हो रहा है तो दिल्ली गवर्नमेंट को, दिल्ली से हरियाणा सेल हो रहा है तो नहीं, दिल्ली से हरियाणा तो CST लगेगा, और जहां से गुड्स का मूवमेंट स्टार्ट हुआ है उस गवर्नमेंट को हक मिलेगा टैक्स मांगने का। तो दिल्ली से हरियाणा हुआ तो दिल्ली को मान, हरियाणा से महाराष्ट्र हुआ तो हरियाणा। आया, जल्दी आओ। प्लीज फिर से देखो, इंट्रा स्टेट सेल में किस गवर्नमेंट को हक मिलेगा, किस स्टेट गवर्नमेंट को, जिस स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, दिल्ली टू दिल्ली तो दिल्ली, हरियाणा टू हरियाणा में ही हो रहा है तो हरियाणा। आया समझ में। अब फरीदाबाद टू गुड़गांव हो रहा है तो, अच्छा फरीदाबाद स्टेट हो गया, हरियाणा ही तो हुआ, फरीदाबाद भी हरियाणा है, गुड़गांव भी हरियाणा। आप तो है ना गाड़ी निकाले, बोले दिल्ली आ रहा है बीच में एक स्टेट से दूसरे स्टेट, ऐसा नहीं है, समझ में आ रहा है। तो फरीदाबाद टू गुड़गांव में तो हरियाणा में, ये लोकल सेल है ना, भले बीच में दिल्ली आ रहा है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे आया, मुबारक हो। और ये टैक्स बाय लोकल बॉडीज, प्रॉपर्टी के ऊपर जो टैक्स लगता है वो कौन लगाता है, लोकल बॉडीज लगाता है, तो उसको हम लोग लोकल टैक्स कहते हैं, है ना। तो इसको एक बार थोड़ी देर के लिए, जीएसटी में इसका काम का यहां कोई काम का नहीं है, क्लियर हो गया। चलिए तो मैं यहां लिख देता हूं इंपोर्ट एक्सपोर्ट।
ये तीनों टैक्स कौन कलेक्ट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ये तीनों टैक्स कौन कलेक्ट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर है? कस्टम्स किस चीज का इंपोर्ट होता है? इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, तो कस्टम ड्यूटी। क्लियर है? और अगर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज भी है तो भी कस्टम ड्यूटी। तो गुड्स और सर्विसेज दोनों है यहां पर। एक्साइज किसका? मैन्युफैक्चरिंग किसका? सिर्फ गुड्स का। और सर्विस टैक्स? सिर्फ सर्विसेज का। और जो इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट सेल होगा वो सिर्फ गुड्स का। इसका मतलब स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है सर्विसेज के ऊपर टैक्स लगाने का। हेलो, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है किसके ऊपर टैक्स लगाने का? सर्विसेज के ऊपर टैक्स लगाने का। सिमिलरली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है सेल ऑफ गुड्स के ऊपर टैक्स लगाने का। ठीक है, मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स के ऊपर तो लगाने का पावर है, लेकिन सेल ऑफ गुड्स के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है। समझ में आ गया बाइफर्केशन? और ये बाइफर्केशन किसने किया? किसके पास कौन सा पावर है टैक्स लगाने का? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने। तो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बाद में पढ़ेंगे, मैं पहले इनडायरेक्ट टैक्स का प्रिंसिपल बता रहा हूं आपको। आया जीएसटी में होगा क्या? वैसे तो मुझे अभी थोड़ा सा आइडिया देता हूं, जीएसटी में कस्टम ही रहेगा, बाकी ये जो टैक्स है एक्साइज सर्विस टैक्स इंट्रास्टेट इंटरस्टेट ये सब मर्ज होकर जीएसटी बन जाएगा। ठीक है, और जीएसटी में भी लोकल सेल हुआ तो, और सेल नहीं बोलते यहां, लोकल सप्लाई हुआ तो सीजीएसटी एसजीएसटी, और एक स्टेट से दूसरे स्टेट सप्लाई हुआ तो आईजीएसटी। ठीक है, लोकल बॉडीज के पास एंटरटेनमेंट टैक्स लगाने का पावर नहीं था, सिर्फ किसके पास था? स्टेट गवर्नमेंट के पास था। तो हर एक स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है? ये एंटरटेनमेंट टैक्स लगाने का पावर लोकल बॉडीज को डेलीगेट कर रही है। तो ये टैक्स ऑन टैक्स लेवाइड बाय लोकल बॉडीज एंटरटेनमेंट टैक्स। ठीक है, बस इतना ही बता रहा हूं जीएसटी में, फिर हम लोग और कोई भी जीएसटी में डिस्कस नहीं करने वाले। हम लोग जीएसटी की जो अलग से क्लास लेंगे उसी में हम लोग पूरा जीएसटी डिस्कस करेंगे। तो मैं इसको यहीं तक छोड़ रहा हूं। ठीक है, यहां ये वाला डिफरेंस जो है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में, ये हमने किया था आपके साथ। ठीक है, मैं एक बार फिर से, डायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है? टैक्स ऑन इनकम। इनडायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है? टैक्स ऑन एक्सपेंडिचर। और कितने तरह के इनडायरेक्ट टैक्स? एक्साइज कस्टम एक्साइज सर्विस टैक्स सेल्स टैक्स, इसको भूल जाओ एक बार, चार ही तरह के। इसके दो पार्ट है, इंट्रा और इंटर। ठीक है, अब जब एक्साइज किस पे लगता है? मैन्युफैक्चरिंग पे, मैन्युफैक्चरिंग हुआ उसके बाद वो अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ेगा, फिर बेचेगा, उसके ऊपर एक्साइज लगेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो ये जो टैक्स ऑन एक्सपेंडिचर है यानी कि टैक्स ऑन सेल प्राइस है, टैक्स ऑन सेल प्राइस, मेरे लिए सेल प्राइस तो आपके लिए परचेज प्राइस है। आप कॉस्टिंग में सेल प्राइस कैसे निकालते हो? कॉस्टिंग किया, पूरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाला, प्रॉफिट मार्जिन जोड़ा, वैसे ही तो निकालते हो। और उस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या करते हो? इनपुट का कॉस्ट जोड़ते हो, रॉ मटेरियल इनपुट ये सब वगैरह वगैरह जितने भी इनपुट्स हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सब कुछ जोड़ जाड़ के तो निकालते हो। तो सेल प्राइस कैसे निकालते हो? कॉस्ट कहां? आईडीटी इज डिवाइड ऑन सेल प्राइस, सेल प्राइस इक्वल टू कॉस्ट। कॉस्ट किस चीज का? मटेरियल का। कॉस्ट किस चीज का? मटेरियल का, चाहे वो डायरेक्ट मटेरियल हो या इनडायरेक्ट मटेरियल हो। फिर क्या जोड़ते हो? एक्सपेंसेस, आप अपने सारे वेजेस सैलरी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेट्रोल एक्सपेंसेस जितने भी तरह के खर्चे हैं उस गुड्स को बनाने के लिए सारे जोड़ते हो या नहीं जोड़ते हो? फिर प्रॉफिट मार्जिन, यही तो सेल प्राइस का फॉर्मूला है। तो जब भी इनडायरेक्ट टैक्स लगता है वो किस पे लगता है? कॉस्ट प्लस एक्सपेंस प्लस प्रॉफिट। इनकम टैक्स किस पे लगता है? सिर्फ इनकम। और इनकम का फॉर्मूला क्या होगा? इनकम माइनस इनकम नहीं, रिसीट माइनस एक्सपेंसेस, यानी कि सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस, सिर्फ इसी पे तो लगेगा। भले सिर्फ घर का खर्चा माइनस नहीं होगा, लेकिन बिजनेस के सारे खर्चे तो माइनस करना सिखलाया आपको। तो प्रॉफिट अगर निकालना है तो मैं सेल प्राइस में ये दोनों माइनस कर दूंगा तो मेरा इनकम आ जाएगा। अरे आया, तो इनडायरेक्ट टैक्स जब भी लगता है किस पे लगता है? सेल प्राइस। और सेल प्राइस का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट प्लस एक्सपेंस प्लस प्रॉफिट, भूलना मत,
भूलना मत। अब टैक्स इज पेड डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट एंड टैक्स इज पेड इनडायरेक्टली टू द गवर्नमेंट, और यहां बर्डन कैन नॉट बी पास, यहां बर्डन कैन बी पास। मैं इसका एक एग्जाम्पल लिया था, मैं फिर से ले रहा हूं। एयरटेल और आप कस्टमर, एयरटेल में आप रिचार्ज करवाते हैं 100 रुपए का, बोलता है 10 रुपए सर्विस टैक्स, तो आपसे कितने रुपए लेगा? 110, 100 + 10 = 110। अपने पास कितना रख लेगा? 100 रुपया। गवर्नमेंट को कितना जमा करवा देगा? किस गवर्नमेंट को जमा करवाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को। क्यों? सर्विस टैक्स है, सर्विस टैक्स है ना, तो किसको जमा करवाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो 10 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा करवा दिया सर्विस टैक्स है, क्लाइंट के पॉकेट से कितना निकला? क्या क्लाइंट को पता है 10 रुपए के नाम पे मेरे से सर्विस टैक्स लिया गया है? अच्छा, तुम लोग को बिल नहीं मिलता, रिचार्ज करवाते तो बिल आता है या नहीं आता? रिचार्ज में SMS आता है या नहीं आता? मतलब सब कुछ कागज में लिख लिख के दे, वो भी सुनील मित्तल। तो अब एक बात बताओ, ये 10 रुपए एयरटेल के पॉकेट से निकला या क्लाइंट के पॉकेट से निकला? तो एयरटेल ने क्या अपना बर्डन पास किया या नहीं किया? किया, क्योंकि आप ही के पॉकेट से निकाला है। अरे आया, 10 रुपए गवर्नमेंट को जमा करवा दिया। एयरटेल गवर्नमेंट के लिए क्या है? एजेंट है ना, तो गवर्नमेंट इसे डायरेक्ट कलेक्ट नहीं कर पा रही है। एयरटेल को कहा, तुम जब पैसा कलेक्ट कर रहे हो मेरे लिए भी थोड़ा बहुत कलेक्ट कर देना। तो ऐसे वैसे गवर्नमेंट बोलती नहीं है, प्लीज प्लीज थोड़ा कलेक्ट कर देना। गवर्नमेंट कहती है कलेक्ट करो वरना पूरा इंटरेस्ट पेनल्टी प्रोसिक्यूशन है। समझ में आ गया इतना? अब एयरटेल के पॉकेट में कितना आया? 100 रुपया खर्चा किया, 100 रुपए वो कमाने के लिए खर्चा किया, कितना? 80 रुपए एग्जाम्पल है। इनकम कितनी? 20। ये 80 रुपए वही PGBP ये सब के सारे कॉन्सेप्ट लगा के माइनस होगा। ये 20 रुपया टैक्स 30% फ्लैट कितना आया? 6 रुपए आया। ये 6 रुपया इनकम टैक्स है किसके पॉकेट में जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट? सेंट्रल ही गवर्नमेंट जाएगा भैया। 6 रुपए किसके पॉकेट में जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। अब मुझे एक बात बताओ, क्या डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों लगने से क्या आप कहते हैं इसे डबल टैक्सेशन है? नहीं। क्यों? क्योंकि 10 रुपया एयरटेल के पॉकेट से नहीं निकला, किसके पॉकेट से निकला? क्लाइंट के पॉकेट से निकला, और 6 रुपया इसके पॉकेट से निकला। आया? ये जो कस्टमर है, ये जो कस्टमर है, इसके पॉकेट से इनडायरेक्ट टैक्स निकला 10 रुपया, गवर्नमेंट ने इसके पॉकेट से 6 रुपया निकाल लिया। तो गवर्नमेंट के हाथों में तो दोनों लड्डू है, दोनों हाथों में। तुम खर्चा करो तो हम आपसे इनडायरेक्ट टैक्स लेंगे, तुम पैसे कमाओ हम आपसे डायरेक्ट टैक्स लेंगे। समझ में आ रहा है? तुम आप याद करो, जब मैं ATC कर रहा था आपके साथ, तो मैंने कहा था गवर्नमेंट की अर्निंग क्या होती है, तो क्या है? इनकम प्लस एक्सपेंडिचर। समझ में आया? याद है ATC जब मैं कर रहा था आपके साथ, तो वही कॉन्सेप्ट है। गवर्नमेंट के दोनों हाथों में लड्डू है, आप खर्च करोगे तो भी हम आपसे टैक्स लेंगे। तो आपसे नहीं ले रहे, किससे ले रहे? जो खर्च करवा रहा है आपको, एयरटेल से ले लिया, आपके पॉकेट से निकाला, और आप इनकम बचा लिया तब भी टैक्स लेंगे। कौन सा टैक्स? डायरेक्ट टैक्स। राया क्लियर? अब ये देखो, बर्डन कैन नॉट बी पास, ये 6 रुपए का बर्डन ये इसके बिल में नजर नहीं आता, तो हमने क्या लिख दिया? बर्डन इज नॉट पास, कैन नॉट बी पास। भले ये 6 रुपया इसमें नजर आएगा इसको, लेकिन कस्टमर नहीं पता लगा पाएगा कि ये मेरे बिल से कितना इनकम टैक्स एयरटेल निकाल रहा है। लेकिन इस कस्टमर को इतना पता होगा कितना टैक्स उसके पॉकेट से निकाल रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स कितना पॉकेट से निकाल रहा है। तो यहां पर बर्डन कैन बी पास्ड, है ना। मान लो एयरटेल कंसोलिडेटेड बिल दे देता है 110 रुपया, अब उसमें नहीं दिख रहा था टैक्स कितना है, तो क्या गवर्नमेंट टैक्स छोड़ देगी? बैक कैलकुलेशन करके निकाल लेगी। ये लॉ में और रूल्स में लिखे हुए हैं, अगर आपके बिल में नजर नहीं आ रहा है टैक्स कितना है, तो गवर्नमेंट बैक कैलकुलेशन करके इस एयरटेल के पॉकेट से निकाल के रहेगी। तो ऐसा नहीं है कि एयरटेल ये कहे, सर हमने तो मांगा था आपका पैसा टैक्स का, हमने बिल बना के दिया। देखो मान लो ब्रिज मोहन जी हैं, इनको हमने बिल बना के दिया 100 + 10 = 110, मैंने इसको कहा 110 रुपया दो, तो ब्रिज मोहन ने क्या कहा पता है मेरे को? बोला सर क्या गवर्नमेंट के लिए काम करो, अपना 100 रुपया रखो, गवर्नमेंट को चाहिए होगा तो मेरे से लेते रहेगी। तो मुझे कितना पकड़ाया? 100 रुपये। मैंने गवर्नमेंट को क्या कहा? बोला सर मैंने इसे 110 मांगा था, मैंने इसको कहा था 100 रुपया मेरा दे दो, 10 रुपया गवर्नमेंट का दे दो, तो इसने मुझे कितना दिया?
सौ आपका दिया नहीं, आप इसे झेलते रहो, मतलब इसी को पकड़ो और ले लो टैक्स इससे। गवर्नमेंट मानेगी? बोले हम ये मानेंगे, 100 रुपया में मेरा टैक्स भी है। बैक कैलकुलेशन करेगी और आपके पॉकेट से निकाल लेगी। आया समझ में? आपके पॉकेट मतलब एयरटेल के पॉकेट से निकालेगी। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट, यानी गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्स कभी भी नहीं छोड़ेगी, डायरेक्ट टैक्स भी नहीं छोड़ती, इनडायरेक्ट टैक्स भी नहीं छोड़ती है। ये क्लियर हो गया? अब एक कॉन्सेप्ट हमने इनकम टैक्स में किया था आपके साथ, कि इनकम टैक्स में लेवाई का मतलब क्या बताया था आपको? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बताया था ना। अगर लेवाई हुआ तो कलेक्शन होके रहेगा, लेकिन गवर्नमेंट कलेक्शन छोड़ सकती है? हेलो, कब इनकम टैक्स में कब छोड़ा कलेक्शन? बेसिक एग्जेम्पशन तक कोई टैक्स नहीं, सेक्शन 10 वाली इनकम कोई टैक्स नहीं, ये सब छोड़ने की तो बात है। तो लिवाई कब होगा? सोर्स बेसिस पे, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट को कब हक मिलेगा डायरेक्ट टैक्स मांगने का? पहला सोर्स बेसिस, अगर कोई इंडिया से पैसा कमाएगा तो हम टैक्स मांगने का हक रखते हैं। अगर और दूसरा कौन सा बेसिस है? रेजिडेंट बेसिस। अगर कोई बाहर बैठा हुआ है, सॉरी कोई इंडिया में बैठा हुआ है और बाहर जाके पैसा कमाता है, इंडिया में रह के बाहर जाके पैसा कमाता है, तो वो फॉरेन इनकम है, ये फॉरेन इनकम भी इंडिया में टैक्सेबल होगा ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंट। आया? तो इसको हम लोग कहते हैं सोर्स एंड, सोर्स एंड रेजिडेंट दोनों बेसिस पे टैक्सेबल होता। आप याद करो, रेजिडेंट रेजिडेंशियल स्टेटस को रेजिडेंट बनाया था, रेजिडेंट इंडियन इनकम, फॉरेन इनकम। इंडियन इनकम को किस बेसिस पे टैक्स किया था? सोर्स बेसिस पे। और फॉरेन इनकम को किस बेसिस पे टैक्स किया? रेजिडेंट। और नॉन रेजिडेंट अगर इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम कमा रहा है, तो नॉन रेजिडेंट का इंडियन इनकम को हमने किस बेसिस पे टैक्स किया था? सोर्स बेसिस पे। और नॉन रेजिडेंट का फॉरेन इनकम हमने टैक्स ही नहीं किया, ना सोर्स इंडिया में ना रेजिडेंट इंडिया, याद है? तो लेवाई का कोई ना कोई कॉन्सेप्ट था डायरेक्ट टैक्स में, यही लेवाई का कॉन्सेप्ट इनडायरेक्ट टैक्स में भी होना चाहिए। और वो कॉन्सेप्ट क्या है? बोलता है दो कॉन्सेप्ट चलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स में, एक कंजम्पशन प्रिंसिपल और दूसरा, यहां क्या लिखा हुआ है और यहां क्या लिखा हुआ है? तो यहां दोनों कॉन्सेप्ट चल रहा है, यहां कोई एक चलेगा, कोई एक चलेगा, या तो कंजम्पशन प्रिंसिपल चल लो या ओरिजिन प्रिंसिपल। कंजम्पशन प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट क्या, प्रिंसिपल क्या है? और वर्ल्ड ओवर इनडायरेक्ट टैक्स कंजम्पशन प्रिंसिपल पर चलता है। इनडायरेक्ट टैक्स किसके पॉकेट से निकलना चाहिए? जो गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम करेगा उसी के पॉकेट से निकलना चाहिए। फिर इसमें दूसरी बात यह है कि किस गवर्नमेंट को यह टैक्स मिलना चाहिए? बोलो, किस गवर्नमेंट को यह टैक्स मिलना चाहिए? बोला जिस गवर्नमेंट के टेरिटरी में ये गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम हो रहा है, उस गवर्नमेंट को हक मिलना चाहिए यह टैक्स कलेक्ट करने का। तो मैंने दो दो बातें लिखी हुई हैं। मैक्सिमम लोग सिर्फ एक ही बात किताबों में लिखते हैं कि जिसके पॉकेट से खर्च हो रहा है उसी के पॉकेट से इनडायरेक्ट टैक्स निकलेगा। जैसे यहां पर क्या है, इसके पॉकेट से खर्च हो रहा है तो किसके पॉकेट से इनडायरेक्ट टैक्स निकलेगा? इसी के पॉकेट से निकलेगा, है ना? लेकिन दूसरी बात है किस गवर्नमेंट को हक मिलेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा, स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा, या बाहर की गवर्नमेंट को मिलेगा? किस गवर्नमेंट को हक मिलेगा? बोला जिस टेरिटरी में यह खर्च हो रहा है, जिस गवर्नमेंट के टेरिटरी में यह खर्च हो रहा है, उस गवर्नमेंट को हक मिलेगा यह टैक्स कलेक्ट करने का। देखिए, टैक्स विल बी रिकवर्ड फ्रॉम दैट पर्सन हु कंज्यूम्स गुड्स और सर्विसेज एंड शैल बी कलेक्टेड बाय दैट गवर्नमेंट इन हूज टेरिटरी इट इज कंज्यूम। हम लोग दिल्ली वासी, कमा रहे हैं दिल्ली में, खर्चा कर रहे हैं दिल्ली में, तो किस गवर्नमेंट को हक मिलना चाहिए? दिल्ली गवर्नमेंट। हम लोग इंडियंस, कमा रहे हैं इंडिया में, खर्च कर रहे हैं इंडिया में, तो किस गवर्नमेंट को हक मिलना चाहिए? इंडियन गवर्नमेंट को मिलना चाहिए। तो मैंने एक एग्जांपल लिया, देखिए इंडिया यूएसए, तो इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है, यूएसए इंपोर्ट कर रहा है, क्लियर है? ये गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम कहां होगा? यूएसए में होगा। तो ये यूएसए वाला, अब ये इंडिया वाला एक बिल बनाएगा 100 + 10 = 110, सॉरी एक्सपोर्ट पे तो कोई टैक्स लगेगा नहीं, ये सीधे कितना बनाएगा बिल, 100 + 0 = 100। अब ये जा कह रहा है यूएसए में, कंज्यूम कहां होगा? यूएसए में। तो अब यूएसए वाला किससे टैक्स मांगेगा? इंपोर्टर से, जो यूएसए में जो इंपोर्टर है उससे टैक्स मांगेगा। क्या कहेगा? तुम्हारा गुड्स की वैल्यू कितनी? 100, हम ड्यूटी लगाते हैं 10, कितना हो गया? 110।
अब यूएसए वाला को, यूएसए गवर्नमेंट को हक मिलेगा टैक्स मांगने का। खर्च कौन कर रहा है? यूएसए, यूएसए वाला खर्च कर रहा है। 100 रुपये यहां आया, गुड्स यहां आया, ये इंपोर्टर 10 रुपये किसको दे देगा? यूएसए गवर्नमेंट को दे देगा। तो लिवाइड बाय यूएसए, पेड बाय इंपोर्टर आया। यहां देखिए, यूएसए वाला एक्सपोर्ट कर रहा है, इंडिया वाला इंपोर्ट कर रहा है, ठीक है। अब ये गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम कहां होगा? इंडिया में। किस गवर्नमेंट को हक मिलेगा? इंडियन गवर्नमेंट को मिलेगा। ये यूएसए वाला बिल बनाएगा 100 + 0 = 0, 100, क्योंकि एक्सपोर्ट पे कोई टैक्स लगता नहीं है, तो यूएसए वाला एक्सपोर्ट पे कोई टैक्स नहीं लगाएगा, लेकिन इंडिया वाला टैक्स लगाएगा। कितना? 100 + 10 = 110। अब सोच के देखिए, इंडिया से 100 रुपया बाहर जा रहा है, इंडिया वाला ऐसे ही 100 रुपया से गरीब हो गया, हुआ या नहीं हुआ? हो गया। लेकिन अल्टीमेटली ये गुड्स कंज्यूम कहां होगा? इंडिया में होगा। तो ये इंडियन गवर्नमेंट को हक मिलेगा 10 रुपया मांगने का। पेमेंट कौन करेगा? इंपोर्टर कर लेगा। आया। कौन सा प्रिंसिपल चल रहा है? कंजम्पशन प्रिंसिपल। अगर यही ओरिजिन प्रिंसिपल चल रहा होता तो, ओरिजिन प्रिंसिपल क्या होता है? जहां से गुड्स का मूवमेंट शुरू हो रहा है उस गवर्नमेंट को हक मिलेगा टैक्स मांगने का। अगर इंडिया से यूएसए जा रहा है तो ओरिजिन कहां से हो रहा है? इंडिया से। किस गवर्नमेंट को हक मिल जाएगा? इंडियन गवर्नमेंट को। एक्सपोर्ट पे ड्यूटी लग जाएगी। समझ में आ रहा है? और यहां पर यूएसए से इंडिया आ रहा है तो ओरिजिन प्रिंसिपल अगर चल रहा है तो फिर अगेन एक्सपोर्ट पे ड्यूटी लग जाएगी। तो अगर कंजम्पशन प्रिंसिपल चल रहा है तो किस पे ड्यूटी लगेगी? इंपोर्ट पे। अगर कंजम्पशन प्रिंसिपल चल रहा है तो कहां, कौन सी गवर्नमेंट को ड्यूटी मांगेगी? इंपोर्ट पे। और अगर ओरिजिन प्रिंसिपल चल रहा है तो एक्सपोर्ट पे। कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स में पूरे वर्ल्ड ओवर कौन सा प्रिंसिपल चलता है? कंजम्पशन प्रिंसिपल। ओरिजिन प्रिंसिपल चलता ही नहीं है। अरे आया। लेकिन हम लोग इंडिया, हम लोग तो तेज है। इंडिया में जो इनडायरेक्ट टैक्स का प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है, दैट इज ओरिजिन प्रिंसिपल। खराब लग रहा है आपको? तो मैं क्या करूं? हाँ, चलिए। तो प्रेजेंटली ऑल इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम, प्रेजेंट जो सिस्टम है, जीएसटी में ये सिस्टम चेंज होगा, प्रेजेंटली ऑल इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम फॉलो ओरिजिन प्रिंसिपल एक्सेप्ट कस्टम्स एंड सॉरी एक्सेप्ट एक्सेप्ट कस्टम। और कस्टम कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करता है? कंजम्पशन प्रिंसिपल। बाकी जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स हैं वो कौन सा प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं? ओरिजिन प्रिंसिपल। तो मैं ये कह सकता हूं कि कस्टम कौन सा प्रिंसिपल? कंजम्पशन। बाकी ये जितने भी हैं ये कौन सा प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं? ओरिजिन। अरे आया। अब एक्साइज बताइए, एक्साइज कब लगता है? मैन्युफैक्चरिंग कहां हो रहा है? अच्छा, मैं पता ही नहीं था। इंडिया, इंडिया, हाँ सही बात है, आर्यवर्त में। तो मैन्युफैक्चरिंग कहां हो रहा है? इंडिया में। टैक्स किसको मिल रहा है? इंडिया। अगर यही मैन्युफैक्चरिंग नेपाल में हो रहा होता, पाकिस्तान में होता, तो इंडियन गवर्नमेंट को हक नहीं मिलता। समझ में आया? सर्विसेज कहां रेंडर की जा रही है? इंडिया में। तो हक किसको मिल रहा है? इंडियन। ओरिजिन प्रिंसिपल। दिल्ली टू दिल्ली सेल हो रहा है तो ओरिजिन प्रिंसिपल दिल्ली गवर्नमेंट को मिलेगा। समझ में आ रहा है? अब सीएसटी देखो, सीएसटी भी ओरिजिन प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है। हरियाणा टू दिल्ली बिक रहा है, सीएसटी का रेट है 2%। सीएसटी का रेट कितना है? 2। तो हरियाणा टू दिल्ली मूव कर रहा है, 100 + 2 = 102। बताइए किस गवर्नमेंट को हक मिलेगा सीएसटी लेने का? हरियाणा गवर्नमेंट को। क्यों? मूवमेंट जहां से स्टार्ट हो रहा, ओरिजिन कहां से, गुड्स का ओरिजिन हुआ, मूवमेंट जहां से स्टार्ट हो रहा उस गवर्नमेंट को हक मिलेगा टैक्स मांगने का। तो 100 + 2 = 102, दिल्ली वाला हरियाणा को कितना देगा? 102 रुपया देगा। हरियाणा वाला 100 रुपया अपने पास रख लेगा, 2 रुपया जमा करवा देगा किस गवर्नमेंट को? हरियाणा गवर्नमेंट को। अरे आया। जीएसटी में ये सारा कुछ चेंज हो जाएगा। मैं जीएसटी डिस्कस नहीं कर रहा हूं, बस सिर्फ इतना बता के छोड़ रहा हूं, जीएसटी में ये सारा कुछ चेंज हो जाएगा। आया।
तो ऑरिजिन बिजनेस स्टेट फ्रॉम वेयर मूवमेंट ऑफ गुड्स कमेंसेस हैज द राइट टू कलेक्ट दैट टैक्स. कोई दिक्कत? सब कुछ लिख लिया हमने. चलिए,